सो व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज एम जे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक्शन कैमरा जो कि है DJI की तरफ से, DJI ऑस्मो एक्शन। एंड DJI ने ये थोड़े टाइम पहले लॉन्च किया था। सो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे इसके क्या क्या फीचर्स हैं। एंड जैसा कि नाम बता रहा है एक्शन कैम, ये DJI की तरफ से पहला एक्शन कैम है। पहले आप DJI के ड्रोन्स के बारे में जानते होंगे, DJI फेमस है अपने ड्रोन्स के लिए। सो इन्होंने अभी अपना एक्शन कैमरा लॉन्च किया है। सो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड इसकी फुटेज निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इसमें फीचर्स हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट। यहाँ के फ्रंट साइड में DJI ऑस्मो एक्शन का फोटो लगा है एंड इसके साइड में DJI की ब्रांडिंग है और कुछ भी नहीं है बॉस के साइड्स पे। डुअल स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे और साथ ही साथ HDR रिकॉर्डिंग मिलती है एंड 11 मीटर तक वाटर प्रूफ है एंड रॉक स्टडी मोड है जो कि बहुत अच्छी बात है। 4K वीडियो एट 60 FPS एंड साथ में 8x स्लो मोशन और साथ में 4S का भी ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे। और जहाँ तक बात की जाए प्राइस की, यहाँ पे जो प्राइस मेंशन है वो है 29.999 मींस 30,000 के आसपास, जो कि ऑनलाइन मेरे को 22,000 के आसपास मिल गया था ये। सो कहीं जल्दी से इसकी बॉक्स ओपन करते देखते इसमें क्या क्या है। सो बॉक्स को ओपन करते ही सामने हमारा मेन कैमरा है जो दिखने में बहुत ही शानदार लग रहा है। साइड में आते हैं, बॉक्स के अंदर देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे पहली चीज़ है जो कि एक कर्व माउंट है जो कि आप हेलमेट के ऊपर अपना लगा सकते हैं DJI ऑस्मो एक्शन को माउंट करने के लिए। साथ में यहाँ पे USB-C की केबल मिलती है जो कि बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई चार्जर इंक्लूड नहीं है। एंड साथ में आपको एक और सर्कुलर माउंट मिलता है और यहाँ पे बैटरी है DJI की तरफ से जो कि है 1300 mAh की। यहाँ पे थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दे रखी है और बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, ये बाकी मैनुअल्स है जो कि बहुत मोटी अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। साथ में कुछ और पेपर वर्क, इन सबको भी साइड करते हैं, फोकस करते हैं अपने मेन कैमरे के ऊपर। मेन कैमरा दिखने में बहुत ही कूल है एंड प्रीमियम लुक है इसकी। सो ऑस्मो एक्शन आता है प्रोटेक्टिव केस के साथ, तो केस को निकालते हैं देखते हैं कैमरा कैसे दिखता है। सो बैटरी को इंसर्ट करते हैं उससे पहले, उसके बाद बूट करते हैं उसको फर्स्ट टाइम। फ्रंट साइड पे 12 MP का वाइड एंगल कैमरा है जो कि आता है 1/2.3 का CMOS सेंसर के साथ एंड जो इसकी स्क्रीन है पीछे वो है 2.25 इंचेस की। एंड जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही सॉलिड है, प्रीमियम फील होती है हाथों में पकड़ने से। एंड ऊपर की साइड ये शटर बटन है एंड उसके साथ यहाँ पे डिस्प्ले बटन है, अगर आप लाइक वीडियो रिकॉर्ड करते हो डिस्प्ले ऑफ करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हैं। एंड अगर आपको स्विच ऑफ या स्विच ऑन करना है कैमरा वो भी यहीं से होगा। एंड जो लास्ट बटन थर्ड बटन है वो यहाँ साइड पे है, ये आपकी स्क्रीन रोटेट करने के काम भी आता है। अगर आपको फ्रंट स्क्रीन चाहिए तो आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रख सकते हैं। एंड अगर आपको मोड सेलेक्ट करने हैं लाइक स्लो मोशन करना है, HDR वीडियो करनी है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। एंड तो इसको ऑन करते हैं। सो लाइक मैंने बोला था अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन रोटेट हो जाएगी, सो ये चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे फ्रंट स्क्रीन देख सकते हैं आप। सो जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है एंड दोनों स्क्रीन्स की, अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे फ्रंट स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं इसकी। तो इसके मोड्स दिखाता हूँ आपको मैं कौन से हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है पहला वीडियो का, यहाँ पे HDR वीडियो भी है, स्लो मोशन है, लूप रिकॉर्डिंग है एंड टाइम लैप्स है, हाइपर टाइम लैप्स जो इसमें अभी न्यू फीचर आया है अपडेट होने के बाद। यहाँ पे फोटोज़ है, बर्स्ट मोड है, टाइम्ड है, आप कस्टम भी कर सकते हैं आपको कोई फीचर चाहिए। जिसकी मैक्सिमम सेटिंग है वो है 240 FPS
आपको 240p मिल जाएगी वो, पर वो आपको मिलेगी 1080p में। एंड अगर आपको इसमें पर रॉक स्टडी नहीं होगा, अगर आपको रॉक स्टडी चाहिए वो आपको 60fps से मिल जाएगा, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉक स्टडी है तो वो 60 फ्रेम पर सेकंड पे मिल जाएगा। एंड 4K पे भी मिल जाएगा, 4K 60fps पे रॉक स्टडी यहाँ पे है। एंड अगर यहाँ पे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग्स आती है, मैनुअल शटर स्पीड वगैरह। एंड अगर आप लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो आपने जो वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। एंड अगर आप ऊपर से इसको नीचे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन आ जाता है आपको, स्क्रीन रोटेशन एंड वॉइस कंट्रोल। अगर लॉक लग रहे हैं लॉक लगा सकते हैं अगर अंडर वॉटिंग शूट कर रहे हैं तो, अगर चाहते नहीं है कि अगर गलती से कहीं और हाथ टच हो जाए। एंड बाकी सेटिंग्स है यहाँ पे, वॉइस कंट्रोल, स्नैपशॉट, क्विक स्विच। तो इसे फोटो क्लिक करके दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि यहाँ से हम चूज करेंगे फोटो, नॉर्मल फोटो। एंड तो जो इसका टच रिस्पॉन्स है वो बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं है कहीं भी लैग हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यूजर इंटरफेस इसका बहुत सही है। तो यहाँ पर जो पहली सेटिंग है वो है 1080p एट द रेट 30 फ्रेम पर सेकेंड। एंड इसमें रॉक स्टडी ऑन है। एंड अभी जैसे मैं स्टेज चल रहा हूँ तो आपको पता लग ही जाएगा कि फ़ोटो एंड वीडियो क्वालिटी कैसी हो रही है। एंड इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि इसमें अभी चल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें स्टेबलाइजेशन बहुत ही अच्छा हो रखा है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन है इसमें। एंड जो भी सेटिंग है वो सेम है 1080p एट 30fps, बट इसमें जो चेंज किया है वो मैंने रॉक स्टडी मोड ऑफ कर दिया है। सो स्टेबलाइजेशन का आप कंपैरिजन कर सकते हैं पिछली वीडियो से एंड इस वीडियो से। तो जो कंट्रास्ट की बात की जाए एंड इसमें बहुत ही ज़्यादा नेचुरल कलर्स आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे ब्लू है एंड ग्रीनरी। ये थी क्विक अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन ऑन DJI Osmo Action। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आप चाहते हैं मैं DJI Osmo Action एंड हीरो ब्लैक जो कि ग्रो प्रो की तरफ से आता है उसकी कंपैरिजन लेके आऊँ, सो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना, तो मैं लेके आऊँगा दोनों का कंपैरिजन कि कौन सा कैमरा ज़्यादा अच्छा है। एंड आने वाले जो भी व्लॉग्स होंगे मैं वो इसी से करने वाला हूँ, क्योंकि इसका ऑडियो आउटपुट बहुत ही अच्छा है। एंड सो देखते हैं आगे क्या होता है, ये DJI इसमें और क्या क्या न्यू फीचर अपना ऐड करता है अपने आने वाले Osmo Action में। सो तब तक के लिए बने रहिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए।